बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल रज़ाक आसिफ एक और मैथ वीडियो के साथ हाजिर है। आइए शुरू करते हैं। आज हमारा जो लेक्चर है वो एक्सरसाइज 8.1 पर है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और हमें कहा गया है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। आपको पता है कि जब कार्टेशियन प्लेन बनती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो हर पार्ट को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये एक्स पॉजिटिव, यहाँ पर भी ये वाई पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस तरफ एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव तो इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसी तरह ये थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे एक्स भी नेगेटिव आएगा वाई भी नेगेटिव, जो आखिरी क्वाड्रेंट है इसमें एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। तो जो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए पॉइंट्स पी क्यू आर एस के, उसको हमने लोकेट किया पॉइंट्स को, तो हमें पता चला कि ये पॉइंट्स किस किस क्वाड्रेंट में हैं। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो पॉइंट हमारे पास है पी, वो पॉइंट पी सेकंड क्वाड्रेंट में है, और जो पॉइंट क्यू है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और आर क्वाड्रेंट, आर पॉइंट है ये क्वाड्रेंट 1 में है। इसके साथ हम एस को देखते हैं तो वो क्वाड्रेंट नंबर 4 में है। तो इस तरह हम बता सकते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो किस किस क्वाड्रेंट में है। ये जो कुछ हमने फिगर बनाई है उससे देखकर हम यहाँ लिख लेंगे कि पॉइंट पी लाइज इन क्वाड्रेंट 2, द पॉइंट क्यू लाइज इन क्वाड्रेंट 3, द पॉइंट आर लाइज इन क्वाड्रेंट 1 एंड द पॉइंट एस लाइज इन द क्वाड्रेंट 4। तो 4 क्वाड्रेंट हमने बता दिए, 4 हमारे पास पॉइंट्स थे तो हमने इनके क्वाड्रेंट्स बता दिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें मुख्तलिफ इक्वेशंस दी गई हैं और ये लाइंस की इक्वेशन है, हमने इनको ग्राफ की शक्ल में ड्रॉ करना है। उसने कहा कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। तो हमारे पास फिफ्थ पार्ट है y = 0। y = 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि y की वैल्यू फिक्स है, 0 ही रहेगी पूरी लाइन पर, y की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, x की वैल्यू चेंज होती जाएगी। हमने इसका टेबल ड्रॉ बना लिया है, x की वैल्यू आप देख रहे हैं, जो मर्जी आप चेंज कर रहे हैं लेकिन y की वैल्यू 0-0 ही रहेगी। ये हमें टेबल मिल गई है, यहाँ से हम 3 पॉइंट्स लेके, ज्यादा पॉइंट भी ले सकते हैं लेकिन एटलीस्ट आपको 2 पॉइंट चाहिए होते हैं एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो मैंने 3 पॉइंट ले लिए, -1 और 0, 0-0 और 1-0, ये 3 पॉइंट हमने ले लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा 0-0 पॉइंट है, ठीक है, और ये मेरा पॉइंट 1-0 हो गया, और ये मेरा पॉइंट -1 और 0 हो गया। तो एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, एक्स एक्सिस पे वाई वैल्यू चेंज हो रही है, हम ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि वाई की वैल्यू फिक्स है, जब ऊपर जाएंगे वाई की वैल्यू चेंज होगी, जब नीचे जाएंगे डाउनवर्ड तब भी वाई की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन उसने हमें जो इक्वेशन दी है उसमें वैल्यू वाई की फिक्स है, इसलिए ना हम ऊपर जा रहे हैं ना हम नीचे जा सकते हैं। तो ये जो ग्राफ है ये क्या शो कर रहा है, y = 0 का ग्राफ है। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो बेटा अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का ही 8th पार्ट। इसमें भी हमें एक इक्वेशन दी गई है -y = 2x। ये जो इक्वेशन दी गई है इसमें आप देख रहे हैं x वेरिएबल भी है और y वेरिएबल भी है, जो पिछला वाला क्वेश्चन था वहां पे सिर्फ y वेरिएबल था। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर दोनों वेरिएबल हों तो x की वैल्यूज भी चेंज हो रही हैं, वेरी कर रही हैं, और y की वैल्यूज भी वेरी कर रही हैं। यानी अगर हम x की वैल्यू कोई और पुट करेंगे तो y का जवाब कुछ और आएगा, x की वैल्यू चेंज करेंगे तो y की वैल्यू भी उसके साथ ही चेंज हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपने सबसे पहले ये करना है कि y वेरिएबल को एक तरफ कर लेना है लेफ्ट हैंड साइड पे, और इक्वेशन में जो कुछ भी और होगा उसको राइट हैंड साइड पे ले जाना है। इक्वेशन को जो सिंप्लीफाई हम करते हैं उस तरीके से, इसको सिंप्लीफाई हमने किया है तो वाई यहाँ पर है -y, तो माइनस मैंने उधर कर दिया है, दोनों तरफ समझो कि -1 से मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट जो पहले नेगेटिव थी साइड वो पॉजिटिव हो गई, और राइट साइड जो पहले पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो गई, -1 से दोनों तरफ हमने क्या किया मल्टीप्लाई। अब ये वाई एक तरफ आ गए, हर इक्वेशन में आपने ये काम करना है, यानी जिसमें x और y वेरिएबल दिए हुए हैं आपने y को एक तरफ करना है और बाकी सब कुछ दूसरी तरफ लेके जाना है रूल्स को फॉलो करते हुए। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x की वैल्यू चेंज करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। मैंने इस इक्वेशन में 1 वैल्यू पुट की x की तो मेरे पास y की वैल्यू -2 आ गई, जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट की है तो आप देख रहे हैं कि y की वैल्यू भी 0 आ रही है, जब मैंने इस इक्वेशन में x की वैल्यू -1 पुट की है
तो मेरे पास y की वैल्यू पॉजिटिव 2 आई है और ये सिलसिला इसी तरह चलेगा, ठीक है। मैंने सिर्फ तीन वैल्यूज पुट की है, ये इनफाइनाइट वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर टेबल है, पॉइंट्स टेबल आप लिखेंगे, x की वैल्यूज लिखी और y की वैल्यू, ये दोनों तरफ इनफाइनाइट वैल्यूज लिखी जा सकती है। हमने चंद एक वैल्यूज लिखनी होती है, एटलीस्ट 2 और 3, 5 तक भी लिख सकते हैं। अब हमने इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है, इनको ग्राफ पेपर पर हमने इनको ड्रॉ करना है, इनको ज्वाइन करेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने पॉइंट -1 और 2 लिया है, -1 एक्स की वैल्यू है वो यहाँ पर है और 2 जो है वो वाई कोऑर्डिनेट है, तो ये दोनों मिलते हैं इस पॉइंट पे जा रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हमने ड्रॉ कर दिया, मेंशन कर दिया। फिर हमारे पास 0 0 0 0 जो है वो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, जहां पर दोनों एक्सिस मिलते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं, तो उसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 है। तीसरा हमारा पॉइंट 1 और -2, वो भी हमने इसी तरह लोकेट कर लिया है। अब इन तीनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे तो आपको मतलूबा ग्राफ हासिल हो जाएगा। ये वो ग्राफ है जो हमसे रिक्वायर्ड था। अब यहां पर आप देखेंगे कि ये जो ग्राफ है -y = 2x है, ये वो लाइन है। तो आप देख रहे हैं कि इस ग्राफ को ड्रा किया तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा और आप इसी तरह के क्वेश्चन खुद भी कर सकते हैं, ट्राई करें, कोशिश करें, फिर भी कोई मसला हो तो हमसे रब्ता करें।